हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और घर में सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल खा के मज़े ले रहे होंगे इस ठंडियों के मौसम में। तो मैं भी लेकर आई हूँ एक यूनिक सा पोमिलो फ्रूट का जो है पिकल रेसिपी। आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा। और इसे हम आसमिस में लोबाब टेंगा के नाम से जानते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोबाब टेंगा, वन वी कैन सी इन वाइट कलर एंड वन वी कैन सी इन रेड कलर, एंड बोथ आर सो टेस्टी एंड इट्स वेरी गुड। एंड ऑल्सो वी कैन हैव पोमिलो फ्रूट सैलड एंड पिकल। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड प्लीज कमेंट इफ यू लाइक द रेसिपी। तो यही है पोमिलो फ्रूट, और ऑलरेडी मेरे पास जो है पहले से दो था तो मैंने एक ही तोड़ा। तो इस यहीं पे मैंने एक जो है वाइट टाइप का निकलेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि पोमिलो फ्रूट जो है दो टाइप्स का होता है, एक वाइट और एक रेड। और वीडियो मैं इंग्रेडिएंट्स बहुत कम इस्तेमाल की हूँ। अगर आपको लगता है कि आपसे कि आपको लगता है कि पिकल में और भी चीज़ें डल सकती है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं कोई परफेक्ट कुकिंग मास्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ ट्राई करती हूँ और सीखती हूँ आप लोगों से। और आप लोग अगर किसी को नहीं पता है तो सिखाने की कोशिश करती हूँ। तो अगर कुछ गलतियाँ हो तो आप बताइएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और घर पे बना के खाइएगा, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग ये रेसिपी ट्राई किए हैं और ट्राई करेंगे तो अच्छा लगेगा सुन के। तो वीडियो को देख के बताइएगा आप लोग, कमेंट में बताइएगा। और आप अगर लॉन्ग पीरियड के लिए आप अगर इस पिकल को बना के रखना चाहते हैं तो आप इसमें विनेगर का प्रयोग कीजिएगा। अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए खा के ख़त्म करना चाहते हैं तो आप विनेगर नहीं भी ऐड करेंगे तो चलेगा, लेकिन वही है कि पिकल्स को थोड़ा थोड़ा धूप में मतलब रखना चाहिए। जब भी आपको लगता है कि धूप आ रही है तो आप पिकल्स को, जितने भी आपके पास जितने भी वैरायटीज़ के पिकल है, तो आप धूप में रखिएगा। धूप में रखने से पिकल बहुत दिन तक टिकती हैं। तो देखिए आपको रेसिपी अच्छा लगेगा तो आप मुझे बताइएगा, और देखिएगा कि मैंने कितने कम चीज़ों में मैंने बहुत ही सिंपल सा रेसिपी तैयार पिकल तैयार किया है। तो आप देखिएगा और अच्छा लगे तो आप कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।